हाय, मैं राजीव सर। आज हम वॉल्यूम 1 मैथ का बुक का चौथा वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। आज इकाई का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम फैक्टोरियल पर आधारित और पावर के ऊपर पावर पे आधारित पे क्वेश्चन बनाकर क्लियर कर देंगे और फिर रेकरिंग उकरिंग इस तरह आते रहेंगे। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का टॉपिक है इकाई पर आधारित है पावर के ऊपर पावर। ध्यान देना है, पावर के ऊपर पावर पर आधारित प्रश्न ध्यान देना है बाबू। क्या है, पहले नॉर्मल में समझिए कि अगर यहाँ 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37 और फिर 38 ऐसा दे दें और बोलेगा कि इसमें इकाई अंक क्या है। ध्यान देना है बाबू, इसमें पूछेगा कि इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक निकालने के लिए पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह का क्वेश्चन में आएगा तो नोट करके ध्यान में करना है बाबू। नोट करके रखना है कि नीचे से तीसरे अंक क्या बाबू, नीचे से तीसरे अंक देखेंगे। क्या करेंगे, नीचे से तीसरे अंक को देखेंगे। नीचे से क्या है, तीसरे अंक को देखेंगे देखेंगे। यदि सम संख्या हो तो 2 और विषम संख्या हो तो 1। सम संख्या हो तो 2 और विषम संख्या है तो 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ तीसरे अंक को देखना है 1, 2, 3। तीसरे अंक यहाँ पे 36 क्या है, सम है कि विषम। तो यहाँ पे बाबू 36 सम है। अब इसमें क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिख देंगे 36 और यहाँ पे लिखेंगे 36 और 36 नहीं, यहाँ 34 और 34 के पावर में 35 और ऊपर में कर देंगे 2। अब हमको करना है 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो आ जाएगा 1225 और फिर 1225 आएगा तो फिर पावर वाला आ गया जो हम पिछले वीडियो में बताए हैं। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो इकाई अंक 1 का शेष 1 आएगा तो 4 के पावर 1, इसका मतलब इसका इकाई संख्या कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसकी इकाई संख्या कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान देना, नीचे से तीसरे अंक को देखेंगे, सम होगा तो 2 और विषम होगा तो 1 मानेंगे। क्लियर है, एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाइए, पहले एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाइए बाबू। इसको ध्यान देना है, नीचे से अगर क्या बोलेगा बाबू, यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 3 और यहाँ पे 5, 3 के पावर 6 और यहाँ पे 8, यहाँ 4 के पावर 6, 7 और फिर 8 के पावर 9 और फिर यहाँ 10। फटाफट बोलेगा कि इसकी इकाई अंक निकालना है। तो अगर यहाँ पे भी देखना, 1, 2 तीसरा संख्या क्या है, विषम है, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 और 3 के पावर में 1 कर देंगे। 3, 6 और यहाँ पे सम है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्लियर है, फिर यहाँ पे ध्यान देना है 4, 6 यहाँ विषम है तो 1 कर देंगे। 8, 9 और सम है तो 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 के पावर में 3 है तो यहाँ 2 के पावर में 3 कर देंगे। 3 के पावर में 2 है तो यहाँ पे 36 कर देंगे। 4 के पावर में 6 है तो 6 कर देंगे और 8 के पावर में 9, 9 के पावर में 2 है तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। फिर नॉर्मल वे में हम कितना में सबसे भाग देंगे, 4 से, तो इसमें 4 से तो भाग नहीं लगेगा इसलिए यहाँ पे सीधा 8 आ जाएगा। यहाँ 36 में पूरा पूरी कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 में 2 से इसमें शेष 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 8 से भाग देंगे बाबू 81 में, तो 81 में देंगे तो यहाँ पे शेष 8 के पावर में 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 8 हो गया, 3 को हम 4 बार में गुना करेंगे। 3 को कितने बार में गुना करेंगे, 3 को हम क्या करेंगे बाबू, 8 × 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो 9, 9, 81 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 के पावर में 16 हो जाएगा और फिर यहाँ 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है, अब इस पॉइंट को देने यहाँ 8 से गुना करेंगे 1 में तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और मैं 8, 8 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका इकाई कितना आएगा, 4 आएगा। अब आते हैं हम इसको सॉल्यूशन पे, कुछ बात को ध्यान देते हैं, क्वेश्चन बुक पे आते हैं जिससे और क्लियर हो जाइएगा। फर्स्ट में है फैक्टोरियल पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर है बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 पे ध्यान देना है। यहाँ 2 के पावर 3 के पावर में 4, फिर यहाँ पे है 3 के पावर में 4 और पावर में कितना आ जाएगा, 5। फिर यहाँ है 4 के पावर में 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 5 के पावर में 6 और फिर आ जाएगा 7 और फिर 6 के पावर 7 के पावर में 8। फर्स्ट देखना है सम है तो 2 के पावर में 3 और 3 के पावर में 2 कर देना है।
तीन के पावर में विषम है तो एक कर देना है, चार के पावर में दो कर देना है, पाँच के पावर में छः तो एक कर देना है, और छः सात के पावर में दो कर देना है। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो नौ आ जाएगा, चार आ जाएगा, फिर चार के पावर में पच्चीस आ जाएगा, पाँच के पावर में छः आ जाएगा, और छः के पावर में 49 आ जाएगा। और इसका जो सोल्यूशन करके आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह का इसका आंसर जीरो आएगा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन 10 नंबर इसी पर आधारित है। 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन पे, इसी का 10 नंबर फैक्टोरियल पर है। 33 के पावर 34 अभी बताए हैं, 34 के पावर में 35। अब 35 जैसे ही आया तो यहाँ पे ध्यान देना है कि विषम है तो कुछ नहीं करना है बाबू, 34 हो गया, यहाँ पे एक आ गया, और फिर इसमें चार से भाग देंगे तो शेष यहाँ पे दो आएगा, तो इसके पावर में इसका इकाई संख्या कितना आ गया, 9 आ गया। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब आते हैं सीधे फैक्टोरियल पे, फैक्टोरियल पे आधारित, अंत तक बने रहिएगा बाबू। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पर आधारित, फैक्टोरियल पे आधारित, इसको पहले समझिए। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एक गुने दो गुने तीन गुने डॉट कहाँ तक, एन तक। फिर इसी तरह का 10 फैक्टोरियल है तो बाबू एक गुने दो गुने तीन गुने डॉट तक कहाँ तक, 10 फैक्टोरियल तक। कहाँ तक होगा? 10 फैक्टोरियल तक। अब हम आते हैं किधर पॉइंट है, जब फैक्टोरियल में अगर रहेगा तो सम संख्या में ऑलवेज हमेशा 6 होगा और विषम संख्या में हमेशा 1 होगा, लेकिन 0, 1, 5 में 6 में नो चेंजिंग, हम ये बता चुके हैं। क्लियर है? हम बता चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्लियर हो जाइएगा। जैसे आपका बोलेगा क्या बाबू कि अगर ये नॉर्मल फैक्टोरियल ऐसे दे देगा कि ऐसे फैक्टोरियल देगा कि आप बताओ इसके में इकाई अंक क्या होगा, तो इसके इकाई अंक में 0 आएगा, क्योंकि अगर हम 5 से ज़्यादा आएंगे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 पूरा का गुना करेंगे बाबू तो यहाँ हो जाएगा 6 × 24 = 120, मतलब 0 आएगा, और 0 में भी किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन फैक्टोरियल पे आता है। क्लियर है? अगर ऐसे बोलेगा, बोलेगा 112 तो इसका इकाई 0, लेकिन पावर पे फैक्टोरियल दे, क्या करें, पावर पे फैक्टोरियल दे बाबू, जैसे 345 के पावर में 345 फैक्टोरियल दे दें, 367 के पावर में 368 दे दें, तो इसमें पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा बाबू, तो ध्यान देना है 5 का तो 5 ही होगा। अब यहाँ देखना है कि सम है कि विषम है, तो विषम है तो सीधे 1 हो जाएगा, विषम होगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अंतिम फैक्टोरियल का क्वेश्चन देखिए, और फिर ध्यान से 318 के पावर में बाबू दिया हुआ है 382 गुने 117 के पावर में दिया है बाबू 63, कितना दिया है 63, और फिर गुने दिया है बाबू 316 के पावर में, कितना फैक्टोरियल दिया है बाबू 587 या 81। अब यहाँ देखना है कि सम है कि विषम, तो सम है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे विषम है तो 1 आ जाएगा, 6 का तो 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसका मतलब इसका इकाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है? वीडियो अच्छा भी लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह राजीव सर का मनोबल क्या है बढ़ाते रहिए। ठीक है, बाय।